हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। और आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, त्रिकोणमिति, और उसकी 9.1 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने दिया हुआ है आपको। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छे से तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है, यहाँ ये बंधा हुआ है, ये तार, ये खंबा है आपका, ये भी आपको फिगर दी हुई है, ये ए बी खंबा है आपका, और यहाँ पे इसको बांधा गया है, ऐसी तार बांधी गई है, और 20 मीटर का ये है आपका, इस पे वो चल रहा है सर्कस का कलाकार। और इसने बोला यदि भूमि के स्तर के साथ डोर का साथ बनाएगा कोण 30 डिग्री दिया हुआ है आपको, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको खंबे की ऊंचाई मतलब ए बी आपको ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, देखिए। तो सबसे पहले मैंने फिगर बना लिया है इसका, 20 मीटर ये तार की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, मान दिया हुआ है इसका 30 डिग्री है। तो देखिए हमें निकालनी है ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई निकालनी है आपको खंबे की। तो देखिए आपको रिलेशन देखना पड़ेगा कि भाई ये इसका रिलेशन कौन सा बनता है। ठीक है, आपने लिख लिया कि भाई आपको जो तार की लंबाई है, तार बोल सकते हैं आप, ये डोर लिखा हुआ है आप वही लेंगे, डोर की जो लंबाई है वो कितनी दी है आपको 20 मीटर। उसके बाद अब ये कौन सा रिलेशन होता है इसमें, ये रिलेशन होता है इसका साइन थीटा। ठीक है, आपको ए बी निकालना है, ए बी आपको निकालना है जो कि आपके खंबे की ऊंचाई है। ठीक है, ए बी ये निकालना है आपको, और कोण आपको कितना दिया हुआ है, कोण आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। क्या करेंगे हम, तो आप लगाएंगे इसमें साइन थीटा। देखो इसमें आपको ये आइडेंटिटी लगानी है, साइन थीटा निकालना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा आपको। और साइन थीटा क्या होता है आपका, तो आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो ये लंब यहाँ पे आपको ए बी दिया हुआ है, कर्ण आपको दिया हुआ है यहाँ पे ए सी। ठीक है, अब साइन थीटा क्या रखेंगे, एंगल रखेंगे साइन 30। आपने साइन 30 एंगल रखा यहाँ पर, और ए बी बटे बराबर बटे में ए सी। अब जब आप साइन 30 वैल्यू रखेंगे तो साइन 30 वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है बेटा जी, 1/2। ए बी आपको निकालना है और ए सी आपको दिया हुआ है 20। आपने पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, तो आपका आ जाएगा 2 × ए बी बराबर 20। फिर आपने ए बी लिखा यहाँ पे, और जो ये वैल्यू है यहाँ पे चली जाएगी 20/2। ध्यान रखना है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, लंबाई ऊंचाई को आप एच भी लिख सकते हैं, जहाँ मैंने ए बी लिखा है वहाँ पे एच आ जाएगा। अब आप इसे काटेंगे, 2 × 2, 2 × 20, ये आ गया आपका 10 मीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया है, आप आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं फटाफट से हम दूसरे क्वेश्चन तरफ। सामने अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब मान लीजिए पूरा पेड़ था, ये धरती थी, ये पूरा पेड़ था, यहाँ से यहाँ गिर गया, इतना पोर्शन गिर गया, तो पोर्शन गिरता तो टेढ़ा हो जाता है वो। ठीक है, और कितने कोण बना रहा है वो, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का 5 बिंदु यहाँ से, और की दूरी जहाँ पेड़ जो शिखर जमीन को छूता है, मतलब यहाँ पे शिखर छू रहा है इसको, ये दूरी कितनी है 8 मीटर, ये आपको दिया हुआ है 8 मीटर। और निकालना है आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई मतलब जो बची रह गई है उसकी ऊंचाई आपको निकालनी है, कितनी ऊंचाई है पेड़ की। अब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए फिगर ऐसे बनेगी, मान लीजिए पूरा पेड़ था ये, ठीक है पहले, और यहाँ पे ये टूट गया, बीच में गिर गया, यहाँ पे गिर गया, इतना पोर्शन गिर गया, ये जो पोर्शन है गिरा हुआ, यही आपका ये ऊपर वाला पोर्शन है जो टूट गया था। ठीक है, यहाँ कोण आपका बन रहा है 30 डिग्री कोण बन रहा था आपका, और जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई दी है, दूरी दी हुई है, वो आपको दी हुई 8 मीटर। आप आराम से अपने नाम लिख लेंगे, नाम लिख लेंगे ए बी सी। ठीक है, निकालना आपको एच है, ऊंचाई निकालनी है, तो आपको रिलेशन देखना पड़ेगा कि इसका और इसका रिलेशन क्या होता है। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये भाई आपको जो कोण दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, और जो पाद से शिखर तक की दूरी है, दूरी कितनी दी हुई है आपको, ये 8 मीटर। ठीक है, ये 8 मीटर दिया हुआ है आपको बी सी, आप बी सी ले सकते हैं इसको। अब यहाँ पे इसका और इसका रिलेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये होता है टेन थीटा, टेन 30 बनेगा, क्योंकि जो कोण होता है वो हम उसे यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पे बन जाएगा आपका लंब बटे में आधार। ठीक है, लंब बटे में उधार हो गया आपका, तो ये जो लंब होता है, लंब आपका क्या है यहाँ पे, लंब ए बी है आपके पास, और आधार क्या है आपका बी सी। ठीक है,
अब लम की वैल्यू आपको निकालनी है, ई बी निकालना है आपको, और बी सी आपको 8 दिया हुआ है, और टेन 30 का मान होता है 1/√3। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको तो आपका आ गया रूट थ्री, और ए बी रूट थ्री आ गया, और फोन में इधर इक्वल टू 8 आ गया। फिर जब आप ए बी निकालेंगे तो 8/√3, ठीक है, 8/√3 आ गया आपको। और उसके बाद क्या करेंगे हम, ये भी निकालेंगे जो कण वाली हाइट है वो क्या होगा आपका, वो भी बताया था मैं आपको, ए सी निकालना है मेरे को। तो हम लेंगे इसमें किसी में किसी का भी रिलेशन ले सकते हैं आप, ये लीजिए या फिर ये लीजिए। मैं लंब बटे में कर्ण करूँगा तो क्या निकलेगा, लंब ये होता है आपका साइन, साइन 30 डिग्री क्या होगा आपका, लंब बटे में कर्ण। तो लंब आपका कितना दिया हुआ बेटा जी, लंब दिया हुआ आपको ए बी, और कर्ण क्या आपका ए सी से निकालना है। साइन 30 आपका 1/2 होता है, अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, और ए बी आपको निकल के आ गया था 8/√3, और ए सी आपको निकालना है, ठीक है। आप जब आगे स्कोल करोगे 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 8√3 ए सी, ठीक है। आप क्या करेंगे, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा √3 ए सी = 16, 8 × 16 हो जाएगा। देन उसके बाद ए सी यहाँ पे बचेगा, और 16/√3 इस तरह से आपका आ जाएगा। अब देखो पेड़ की जो चाहिए बेटा वो पूरी चाहिए ऐसे निकलेगी, ये वाली ऊंचाई, ये जमा करना है आपको प्लस ये जमा करना है, ये दोनों जमा करने पड़ेंगे तभी ये पूरा पेड़ जब खड़ा हो जाएगा उसकी पूरी टोटल ऊंचाई आ जाएगी। तो क्या करना है आपको, कुल ऊंचाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ए बी जमा में ए सी करना पड़ेगा, क्योंकि जो ए सी है जो घिरा हुआ पोर्शन है वो भी पेड़ का है। तो ए बी आपका 1/√3 है, जमा ए सी आपका 16/√3 आ गया, एलसीएम लिया आपने, जमा किया इसको, रूट सेम है तो ए जी आ जाएगा, और आपका आ जाएगा 8+16, और ये हो जाएगा आपका 24/√3। आप इसको परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण 1/√3 × √3 कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 24√3/3 बन जाती है, 3 8 = 24, आपका आंसर आ गया 8√3। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और ना आया तो बताना, ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी आपने झूला झूला होगा, जो ऐसे ऐसे स्लाइड करते हैं, स्लाइडिंग वाले झूले को बोलते हैं, 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए ये एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ऐसी लगाएगा फिसलन पट्टी जो 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो। भाई मान लो ये झूला बन गया है, इसकी ऊंचाई दी है 1.5 मीटर और कोण बना हुआ है आपका 30 डिग्री, फिर एक पट्टी चाहता है वो उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगाना चाहता है वो, जिसकी ऊंचाई 3 मीटर होगी, मान लीजिए 3 मीटर है, और कोण कितना बन रहा है उसका, 60 का कोण बनाती है वो, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई दीजिए ज्ञात। तो देखिए यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि भाई ये जो लंबाई है फिसलन पट्टी, इस पर वो झूलेंगे, इन दोनों में वो आपसे लंबाई पूछ रहा है। तो मैं चाहता बनाता हूँ फिगर और करते हैं क्वेश्चन को आगे सोल्व। ये देखिए ये आपको मैंने फिगर बना के दिखा दी है दोनों की, छोटे बच्चों के लिए बड़े बच्चों के लिए, आपसे वो लंबाई पूछ रहा है फिसलन पट्टी की दोनों में, ठीक है। तो ये इसमें और इसमें कौन सा इनका रिलेशन होता है, संबंध क्या होता है, ये आपका ये आपका लंबाई है जो निकालनी है आपको, कर्ण बोलते हैं इसको हम, ये आपका आधार है, ठीक है, ठीक है ना, और सॉरी आधार नहीं लंबाई, सॉरी लंबाई, ये आपका लंब है, ठीक है ना, सामने वाला लंब होता है, गलत से बोल दिया, ये लंब है आपके दोनों, तो आपको निकालना है पी, यहाँ पे पी आर निकालना है, यहाँ पे आपको ए सी निकालना है। तो आपको पता है जो ये और ये होता है लंब बटे में आधार, ये होता है आपका साइन थीटा, मतलब साइन 30 लेना पड़ेगा आपको, मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज ए बी सी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका ए बी बटे में ए सी, जब आप सोल्व करेंगे इसको तो ए बी आपका कितना है 1.5 दिया हुआ है, और साइन 30 का मान होता है 1/2, और ए सी कितना है आपको ए सी निकालना है, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ए सी आ जाएगा 15 × 30, और 8 पॉइंट आ जाएगा ऐसे, तो ये 3 मीटर आपका आंसर आ गया। जो छोटे वाला आपका झूला है उसकी लंबाई इतनी है 3 मीटर, फिर ऐसे इसमें आ जाइए त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कीजिए, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, आप वही करेंगे लंब बटे में कर्ण, मतलब पी क्यू बटे में आपका पी आर, और ये हो जाएगा साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है देखिए, आपको पी क्यू दिया हुआ है कितना, पी क्यू दिया 3, पी आर आपको निकालना है, ठीक है, पी आर आपको निकालना है, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 होती है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पी आर आपका आ गया
रूट थ्री पी आर, थ्री टू जै सिक्स, तीन छः आ गया, और पी आर जब निकालेंगे आप तो छः बटे में रूट तीन, और आप इसको परिमेयकरण कर दोगे रूट थ्री से ऊपर नीचे, तो आपका आ जाएगा सिक्स रूट थ्री, छः रूट तीन, तीन और तीन ये तीन आ जाएगा इसका, तीन एम तीन, तीन दूनी छः, और ये आपका आ गया दो रूट थ्री। ये दोनों आंसर आ गए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम जो बाकी पोर्शन है नेक्स्ट वीडियो में खत्म कर, नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और टिल देन तैयारी करते रहिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।